राजस्थान के बोहत ग्राम पाडलिया से बोहत को जोड़ने वाली संपर्क सड़क मार्ग पर बाणगंगा नदी व नाली की पुलिया के स्लैब का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दोनों पुलिया से आवागमन शुरू नहीं होने से लोगों को बारिश के पानी से बाईपास कच्चे रास्ते में कीचड़ में से मोटरसाइकिल कार हल्के वाहन निकालना मुश्किल हो रहा है। कीचड़ में से वाहन नहीं निकलने को लेकर ग्रामीण ठेकेदार को कोस रहे हैं। देवकी नंदन गालव मुरलीधर शर्मा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण कार्य को लेकर गल के वाहन आने जाने के बोहत पहुंचने के लिए बाईपास कच्चा रास्ता बनाया हुआ है। गुरुवार व शुक्रवार को हुई बरसात के पानी से बाईपास रोड पर इतनी कीचड़ हो गई है कि दुपहिया वाहन व अन्य हल्के वाहन भी नहीं निकल पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के उच्च स्तरीय पुलिया से नहीं निकलने का पुरानी पुलिया से आवागमन शुरू हो सकता है, लेकिन नदी की पुलिया निर्माण कार्य से पहले नवनिर्मित नाले की पुलिया पर एक पखवाड़े से अधिक समय पूर्व स्लैब डल चुका है। ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल व हल्के वाहन को नाले की पुल के ऊपर से गुजरने की ठेकेदार व जल संसाधन विभाग के अधिकारी से कह चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाई ने बड़ा दुगा तो भाई जी दिनों में से पानी दे भाई जी इसको नदी से भी पानी लग गया। ओ देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।